रोत खटकड़ पावेगा। आपका अपना मड्डू और हमारे YouTube चैनल मड्डू खटखड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल लोकेशन देख रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट, जो कॉमनवेल्थ में अपने भाई जीत के आए हैं और उनकी खुशी में यो इतनी भीड़ है या इतना क्राउड है, उनसे मिलने की एक झलक पाने की इच्छा है सबकी। और साथ में हमारे दीपक नेहरा भाई हैं जो 97 किलो में कॉमनवेल्थ में थर्ड पोजिशन प्राप्त करी भाई ने, और उनके चाहने वाले हैं, उनके फैमिली या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके कोचेज हैं, उनसे बात करवाते हैं भाई। चैंपियनशिप में भाई अंकित ने जो कश्यप पदक जीता है, सबसे पहले उनसे मिलते हैं। भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या बोलना चाहोगे भाई दीपक के बारे में? दीपक ने ब्रॉन्ज मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन किया है जी। आप भी तो 2-4 दिन पहले वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में कश्यप पदक से सम्मानित कर रहे हो। हाँ, मैं अभी 1 हफ्ते पहले इटली में हुई थी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें मेरा भी ब्रॉन्ज मेडल आया था जी। वो दीपक है आपकी एकेडमी से? सुना दीपक हमारी एकेडमी से। और आप अब उनको लेने आए हुए हैं? हाँ, अभी दीपक को लेने ही आए हुए हैं। राम राम। राम राम। क्या बोलना चाहोगे दीपक के बारे? दीपक के बारे में ये है कि कॉमनवेल्थ में वो 97 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उधर इनको लेने में आए हुए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने जो पब्लिक है, इतने वो कर रहे हैं, सबकी नज़रें गेट के ऊपर है। बिल्कुल, सभी 12 बच्चे गए हुए थे कुश्ती में, 12 के 12 मेडल आए हुए। एक अपने आप में एक अवार्ड, मतलब कि मिसाल है, बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी चीज़ है यहाँ के 12 के 12 सारे मेडल थे जिसमें से 6 गोल्ड हैं जी। 6 गोल्ड। तो आइए, और भी यहाँ पर अपने जो भाई हैं अकेडमी से, भाई राम राम, कैसे हो भाई? ठीक है। अरे मैं नया पढ़ ड्रोन आता हूँ, अपने घर की बात है। अच्छा, बुलाओ। राम राम। क्या बोलना चाहोगे दीपक के बारे में? दीपक अपने देश का उभरता हुआ बहुत अच्छा पहलवान है, जो आने वाले समय में देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेकर आएगा, मेरी तो यही तमन्ना है उसमें। और भगवान चाहे उसे चोट फेट से बचाए और उसे अच्छी आगे। आप क्या उम्मीद रखते हो दीपक से? मैं दीपक से आगे एशियन गेम्स में मेडल की उम्मीद रखता हूँ, उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बोलना चाहोगे दीपक के बारे में? भाई दीपक हमारी टीम से है, आर्मी में सर्विस करता है, और हम चाहते हैं कि दीपक आगे से हो साथ में। हाँ, आर्मी से हैं। देखो भाई, बताना चाहूँगा दीपक भाई फिलहाल अब आर्मी में ज्वाइन कर रखी, आर्मी ज्वाइन कर रखी भाई, और ये जो साथी हैं उनके यार दोस्त हैं, इतनी खुशी, मतलब कि इनके मुंह तक दिखा, कुछ बोलने भी नहीं पा रहे भाई। हाँ, बस यही हम बोलो उसके बारे। हाँ, उसके लिए हम चाहते हैं कि वो आगे चल के ओलंपिक में मेडल लाए और हमारे आर्मी का और हमारे देश का, मतलब कि उनके लिए है सम्मान के तौर पर ले। हाँ, आप क्या बोलना चाहोगे? भाई यही बोलना चाहूँगा कि वो हमारे लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए देश के लिए। और जो अपने भाई हैं, सिस्टर हैं जो अपने कॉमनवेल्थ में, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सभी ने बहुत अच्छा किया है, क्या आगे आगे अपने और जो ओलंपिक आ रहे हैं जो उनमें अच्छे से अच्छे है वो करें। कहूँगा भाई दीपक नेहरा का जो साथ वाले हैं, कोचेज हैं, जो यार दोस्त हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या बोलना चाहोगे दीपक के बारे में? भाई बहुत अच्छा पहलवान है दीपक, पहलवान है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर, ये इसने थर्ड पदक जीता है, कश्यप पदक जीता, कश्यप पदक जीता है। इतने कितने वेट में जीता भाई? 97 किलो। 97 kg में। आप एकेडमी से हो? हाँ जी। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एकेडमी का नाम एक बड़ा स्तर पर खड़ा कर दिया भाई ने, और भगवान तो दुआ करा ऐसी तरक्की करता रहो, ऐसी बुलंदियों में। हाँ जी। रोत खटकड़ पावेगा।